प्रेस दी सब्सक्राइब बटन, प्रेस दी बेल आइकन, यू विल रिसीव ऑल दी नोटिफिकेशन। आज हम बनाएंगे केक बेस्ड रेसिपी विदाउट ओवन। इसके लिए मैंने एक कुकर लिया है। कुकर में 1 कप नमक डालेंगे और इसे स्पून की हेल्प से चारों तरफ फैला लेंगे। नमक से जो हमारे कुकर में टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। और ये हमने विदाउट ओवन कुकर में बना रहे हैं हम केक बेस की जो रेसिपी है, इसमें बहुत अच्छा केक बनता है। इसके लिए हमें चाहिए कलर, वनीला एसेंस, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वेनेगर, कंडेंस्ड मिल्क, मैदा, मिल्क मसाला पाउडर, बटर, 1 कप मिल्क और पाउडर शुगर। एक बाउल में हम 3 टेबलस्पून बटर डालेंगे। ये 3 बड़े चम्मच बटर है। ये आप सॉल्टेड अनसॉल्टेड आपकी मर्ज़ी है जो लेना चाहें। इसके अंदर 1/2 कप पाउडर शुगर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, एकदम फाइन बनाना है इसे। विदाउट ओवन भी हमारा जो बेस है केक का वो बहुत अच्छा बनता है। अब 1 कप दूध में हम 2 चम्मच वेनेगर डालेंगे और 3 से 4 ड्रॉप वनीला एसेंस के डाल के इसको मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब हम एक छन्नी से हमारा मैदा छानेंगे। मैदे को हम अच्छे से छान लेंगे। विदाउट ओवन भी हमारा जो केक की बेस है वो बहुत अच्छा बनता है और इसे बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 30 to 45 मिनट्स लगते हैं। जब आप इतना 30 मिनट्स या 20 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं अपना जो बेस है उसको एक नाइफ़ की हेल्प से। अब देखिए, अब हमारे बैटर में हम 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाएंगे, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएंगे और इसे वापस से मैं छन्नी से एक बार और अच्छे से छान लूँगी जिससे हमारा जो मिक्सर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमने छान लिया है मैदा। अब हमने जो बटर और पाउडर शुगर का पेस्ट बनाया था इसमें हम दूध डालेंगे। धीरे धीरे डालना है आपको दूध और मैदा, बहुत धीरे धीरे। इसमें मेक श्योर कोई लम्ब्स ना रहे। एक साथ आप अगर डाल देंगे तो इसमें आपके जो है गाँठे पड़ जाएंगी और ये सही नहीं बनेगा हमारा पेस्ट। बहुत धीरे धीरे आपको अच्छे से मिक्स करना है इसे। ज़्यादा ज़ोर से भी मिक्स ना करें, अदरवाइज़ आपका जो बेस है वो बहुत हार्ड बन सकता है। अब इसमें मैं कंडेंस्ड मिल्क मिलाऊंगी 1 कप। ये आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल है कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी, ये मैंने घर पे ही बनाया है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी देख सकते हैं। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। कलर डालना है, ऑरेंज कलर यूज़ लिया है मैंने, ये जस्ट ऑप्शनल है। मिल्क मसाला पाउडर, इसकी रेसिपी ये भी आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इसका भी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा और डालेंगे और हमारे पेस्ट को वापस मिक्स करेंगे। इसे हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है और ज़्यादा भी नहीं मिक्स करना है, बस हल्के हाथ से नॉर्मल मिक्स करना है और इसमें कोई लम्ब्स ना रहे। इसके अंदर हम दूध डालेंगे, थोड़ा सा मैदा और डालेंगे और इसे वापस से अच्छे से मिक्स करेंगे। जो हमारा केक का बेस है वो बहुत अच्छा और स्पंजी बनता है, बहुत अच्छे से बनेगा अगर आप कुछ बातों का ध्यान देंगे। जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में बताते जा रही हूँ कि आपको ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है, एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, सारा पेस्ट आपको एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है जैसे मैं डाल रही हूँ धीरे धीरे करके। आप इसे अच्छे से मिक्स करते जाएँ, बहुत अच्छे से मिक्स करें, इसमें लम्ब्स ना रहे। चारों तरफ से अच्छे से पेस्ट को हटा के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं हमारा बेस जो है वो बन के रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रहनी चाहिए। अब हम एक केक कंटेनर में, मैं थोड़ा सा बेस लगा रही हूँ, आप चाहें तो इसमें बटर लगा सकते हैं या फिर घी लगा सकते हैं। उसके अंदर हम बटर पेपर लगाएंगे और जो हमारा हमने मिक्सचर बनाया है इसको हम इसके अंदर पोर करेंगे। आपको इसको हाफ ही पोर करना है क्योंकि ये बनने जब बनता है तो ये आपका केक का जो मिक्सचर है वो फूलता है ऊपर की तरफ
और अगर आप इसे ज़्यादा भर देंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। तो इतना हाफ ही भरना है इसे कि आपको ये लगे कि हाँ ये फूलने के बाद बाहर ना निकले। इसे अच्छे से टैप कर लो, इसकी जो जितनी भी इसमें एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे ऐसे टैप करने से। अब हमारा जो कुकर है वो प्री हीट हो चुका है। इसमें बहुत ही केयरफुली आपको ये कंटेनर रखना है और हम इसे 30 से 45 मिनट तक पकाएंगे। आप बीच में एक बार 20 मिनट्स बाद एक बार चेक कर सकते हैं खोल के नाइफ से। अब ये देखिए हमारा केक का जो बेस है कितना सॉफ्ट बना है और ये रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब मिस पूजा कुकिंग।